गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं MS निरंकारी पब्लिक स्कूल से छात्रों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ जो आप लोग पढ़ लें। बच्चों, मैं कक्षा एक के हिंदी पाठ है वन। इसमें पाठ वन में दिया है मात्राएं, यानी आ की मात्रा, छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा। बच्चों मालूम है कि मात्राएं, जैसे मान लीजिए क लिखा, तो जैसे क लिखा तो क प्लस अ हो गया, इसमें स्वर अ है। अस्वर में यानी कोई मात्राएं नहीं लगती है, केवल हम जैसे कल, फल, मन लिखेंगे, केवल वर्ण लिख देंगे, इसमें कोई मात्राएं नहीं आती है। दूसरा है आ की मात्राएं, जैसे मान लीजिए आ की मात्राएं हैं, यह है आ की मात्राएं, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिखा, जैसे का लिखा, जैसे मान लीजिए का है, का यानी क प्लस आ, ये हो गया का। क जैसे सॉरी जैसे ही हुआ क, क प्लस आ, ये हो गया का, यानी आ की मात्रा। पहले बच्चों मात्राएं के ज्ञान होगी तभी आपको लिखने और पढ़ने दोनों का ज्ञान। इस पर उच्चारण भी देखिएगा, जैसे क ख ग, यह अ उच्चारण आ रहा है तो अ में कोई मात्राएं नहीं थी। जैसे आ आया, क का खा गा, इसमें बोलने में आवाज़ में आ निकल रहा था, हमको समझ जाना है कि इसमें आ की मात्रा लगी हुई। अब आया छोटी की मात्रा, जैसे मान लीजिए छोटी है, ये छोटी की मात्रा है, तो छोटी की मात्रा जैसे मान लीजिए पहले वर्ण लिखेंगे, वर्ण के पीछे से हमको छोटी की मात्रा लगती है, तो ये हो गया की। अगर बड़ी की मात्रा लगाना है, जैसे मान लीजिए यह है बड़ी, ये बड़ी की मात्रा, तो ये वर्ण लिखकर पहले वर्ण लिखेंगे, वर्ण के आगे से जो लगाएंगे वो बड़ी की मात्रा, यानी वर्ण के पीछे से छोटी की मात्रा और वर्ण के आगे से बड़ी की मात्रा होगी। तो बच्चों हमें मात्राओं का हिंदी जब हमको पढ़ने आएगा, जब हमें मात्राओं की ज्ञान होगी, मात्रा के साथ हमें उस ध्वनि को पहचान करना है, उस उच्चारण को पहचान करना है, उच्चारण पर कौन सी मात्राएं निकाल रही है। जैसे दिया है यस इधर आ, यस यानी यस में कोई केवल वर्ण है, दो वर्ण है, तो यस इधर आ, आ में देखिए यानी आ, अस्व निकल रहा है तो आ की मात्रा आ रही है। इधर आकर बाजा बजा, अब देखिए बा जा यानी ब में आ लिखा, जैसे मान लीजिए ब बा कैसे पढ़ा, ब प्लस आ, ब प्लस आ हो गया, यानी ब प्लस आ की मात्रा लग गई, ब प्लस आ की मात्रा लग गई तो हो गया बा, रा हो गया बा, तो हमें हो गया बा जा बजाकर। अब ब में देखिए ब जाकर, ब प्लस अ आया, ठीक है बच्चों, ये ब प्लस अ, जहाँ अ स्वर आएगा वहाँ मात्राएं नहीं लगती, केवल वर्ण लगता है, तो हो गया बजा बजाकर। गाना गा, रवि का हिरण किधर गया, रवि, अब देखिए र लिखा है व लिखा है, व पर पीछे से छोटी की मात्रा लगी है तो वर्ण के पीछे से लगी है, तो रवि का हिरण किधर गया। कविता घर आ, अब देखिए कविता, व का मात्रा छोटी की मात्रा लगी तो वर्ण के पीछे से लगी है, तो कविता, अब तो में देखिए आ आ रहा है यानी स्वर आ रहा है तो ता आ की मात्रा, तो कविता घर आ। रवि मीठा गाना गा, अब मीठा, अब देखिए म पर ये वर्ण आया तो इसकी मात्रा है बड़ी की मात्रा, पहले वर्ण लिखकर इसकी आगे से लगी है, ये बड़ी की मात्रा आगे से लगी, हो गया मीठा गाना गा। मीरा नाची, सरिता भी नाची, कविता ताली बजा बजा कर गाना गा रही थी। तो बच्चों आपको समझ में आ गया और आ की मात्रा क्या है, छोटी की मात्रा हमें किधर से लगेगी, बड़ी की मात्रा हमें किधर से लगेगी, इसका ज्ञान आपको समझ में आ गया।
सब मिलकर नहर पर गए। बच्चों अब शाम तक सब घर वापस आ गए, यानी सभी खेलने गए थे, ताली बजा बजा कर गाना बजा बजा कर गा रहे थे और खेल रहे थे, और शाम होकर सभी घर आ गए। घर पर नानी आई, नानी खीर खाई, खीर मीठी थी, किशमिश भी मीठी थी। किशमिश निकाल निकाल कर मत खा, किसने कहा? नानी ने कहा, अब बस ककड़ी और टमाटर का सलाद खा। नानी ने कहा किशमिश मत खा, सिर्फ ककड़ी और बस ककड़ी और टमाटर के सलाद खा। तो बच्चों इस पाठ में ये दिया है मात्राओं का ज्ञान, ताकि आपको हिंदी लिखने और पढ़ने आ जाए। ये नहीं कि पढ़ने आए तो लिखने ना आए, और लिखने आ जाए तो पढ़ने नहीं आएगा। जब तक मात्राओं का ज्ञान नहीं होगा तब तक आपको हिंदी गलती होती है। अगर मान लीजिए मात्रा का ज्ञान नहीं है, अगर आप रटने से पढ़ लीजिएगा तो लिख नहीं पाएगा। इसलिए इस मात्राओं का ज्ञान आना है। मात्राओं का ज्ञान आपको उच्चारण पर ही समझ में आ गया होगा बच्चों। तो बच्चों यह हिंदी, अगर आपके पास किताब नहीं है तो बिना किताब की तो पढ़ाई हो नहीं सकती है। तो अगर आपके पास किताब नहीं हो, किताब अवश्य ले लें बच्चों। आगे अब आगे बाद में चैप्टर इसको आप पढ़ लीजिएगा, फिर आगे चैप्टर पाठ पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।